بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं और आप इस ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं जिस अल्लाह ताला ने मुझे आपको अपनी दरबार में आने की तौफीक नसीब फरमाई। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास, ए महबूब, इन लोगों को कह दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ये खुसूसियत और फजीलत आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों की तरफ आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। पहले जितने भी रसूल और पैगंबर आए हैं एक मखसूस कौम के लिए, मखसूस इलाक़ा और मुल्क के लिए आए, आमना के लाल सारे आलम के इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, नबादात जमादात के लिए, कायनात की हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको मबूस फरमाया। मुख्तसरन मैं आपके सामने हालात को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर बयान किया करता हूँ, आज उसी मौजू पर कुछ फिर अर्ज़ करने का इरादा है। अकीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से जिस तरह हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं, इस अकीदे की अहमियत और अजमत भी बढ़ती चली जा रही है। अक्सर लोग नाआशना हैं इस अकीदे से। नारा तो हर कोई लगा देता है ख़त्म नबूवत, लेकिन उसके मफहूम और मतलब को नहीं समझते कि इसका मफहूम और माना क्या है। ख़त्म नबूवत का सीधा साधा मफहूम ये है, जिस तरह हर चीज़ की एक इब्तदा होती है और इंतहा होती है, इसी तरह सिलसिले रिसालत की एक इब्तिदा और इंतहा है। इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से है और इंतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। इसी इब्तिदा और इंतहा को मानने का नाम ये अकीदा ख़त्म नबूवत है कि इस पर ईमान लाना कि रिसालत की इब्तिदा, नबूवत की इब्तिदा जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और उसकी इंतहा कमाल व उरूज आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुई है। अब जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, उस पर जब मोहर लग जाती है, तो फिर उसके बाद और कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। ख़त हो ना, उसके ऊपर मोहर लगा दी जाए, ना तो उसके अंदर अब कोई चीज़ बाहर निकल सकती है, ना जो चीज़ बाहर है वो अंदर दाखिल हो सकती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया, जितने अंबिया ने आना था वो आ चुके। यहाँ पर कादियानी एक इतराज़ करते हैं, जी तुम कहते हो नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब और कोई नबी नहीं आएगा, और तुम्हारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हमारा अकीदा है कि नहीं है? आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो नए नबी और रसूल बनकर नहीं आएंगे, वो तो पहले से नबी है। और जब अब आएंगे आसमानों से उतर कर, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारा ये अकीदा कोई नया नबी नहीं आएगा, वो तो पहले से नबी है। जब मेराज के मौके पर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई तमाम अंबिया को, वहाँ पर सब अंबिया मौजूद थे। जिब्रील अमीन ने आपको मुसल्ले पर खड़ा किया। अब वहाँ पर आप देख लें, ना तो कोई आपके बराबर, ना कोई आपसे आगे। अल्लाह ने बतला दिया मेरे महबूब का ये शान है, ना आपके कोई बराबर है, ना कोई आपसे आगे है, आप अंबिया में सबसे आगे हैं। और वहाँ पर जितने अंबिया थे वो नबूवत के सिलसिले में दाखिल थे, वहाँ पर ये काना दज्जाल मिर्ज़ाई मौजूद नहीं था। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्म नबूवत का मफहूम और मतलब यही है कि सिलसिले नबूवत की जो इब्तदा, उस सिलसिले की जो इब्तदा जनाब आदम से हुई है, उसकी इंतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, हिस्से हदीस है और उसमें किसी तावील की, किसी तशरी की गुंजाइश नहीं है, सराहतन वाज़े मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मसली व मसलल अंबियाई मिन कबली का मसली रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन फजअलन नासु यतूफून बिही व यतअज्जबून लहु व यकूलून हल्ला वुज़िअत हाज़िहिल लबना क़ाला फअना लबना व अना खातमुन नबिय्यिन।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک محل بنایا ہو, بڑا عالیشان محل بنایا, اس کے در و دیوار بڑے خوبصورت مزین کر دیے, لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. سارا محل مکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آئے, لوگوں نے چکر لگایا, اس محل کو دیکھا, اس کی خوبصورتی اور رنگینی کو دیکھا اور اشش کر اٹھے اور کہنے لگے کیا ہی خوب ہوتا اگر یہ آخری اینٹ بھی لگا دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی میں سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ ہوں, انا خاتم النبیین, اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اس حصی مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں ہی آخری نبی ہوں, میرے بعد اور کوئی نبی نہ, کوئی ذلی نہ بروزی. آج کل تو پتہ نہیں کس طرح کی تعویلات کر کے لاکھوں لوگ دین سے مرتد ہو گئے, ایک جھوٹے شخص کو نبی تسلیم کر لیا جو قادیان سے اٹھا, جسے پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں آج فروغ دے رہی ہے. لیکن جب تک سچے عاشقان رسول ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے ان نبوت و رسالت قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی, کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی, ختم ہو چکی, اب میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے. کتنی واضح, قرآن کریم کی غالباً 100 کے قریب آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے, 210 کے قریب احادیث مبارکہ ہے جو اس عقیدے کو بیان کرتی ہے, اجماع امت اس پر ہے, اور اس کے علاوہ تابعین تبع تابعین کا تعامل وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو شک ہو عقیدہ ختم نبوت کے اندر اور وہ دلیل مانگے تو یہ بھی کفر ہے, کہ اس پر کوئی دلیل, ہم بغیر دلیل کے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر مانتے ہیں. اور عقیدے کی یہ اہمیت کیوں ہے اتنی, کہ عقیدے کی مثال جڑ کی طرح ہے, باقی اعمال تو شاخیں ہیں, اگر جڑ کاٹ دی جائے شاخیں باقی رہ سکتی ہیں؟ نہیں باقی رہتی. ہاں اگر شاخیں کاٹ دی جائیں جڑ پر کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اسی لیے سب سے اہمیت زیادہ عقیدے کی ہوتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, کیا خیال ہے قادیانی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, دیگر عبادات بھی کرتے ہیں. اب کوئی کہے وہ جناب وہ تو نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, وہ کس طرح کافر ہو جائیں؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ ان کا ایمان نہیں کس پر, عقیدہ ہے ختم نبوت پر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا ملعون کو کیا مانتے, نبی تسلیم کرتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ ذلی اور بروزی نبی ہے, جبکہ احادیث آیات کے اندر صراحتن ہے کسی قسم کی بھی تعویل یہاں گنجائش ہی نہیں ہے. رسالت کے اندر ہر سلسلے کی انتہا ہو چکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب آپ کے بعد نہ ذلی نہ بروزی کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں آئے گا. آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں. آنے والے حالات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان میں اگر ایک عورت گستاخی کرتی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں, اسے باعزت بری کر کے ہاں دوسرے ملک پہنچا دیا جاتا ہے حکومتی تعویل کے اندر, اور وہاں جب پہنچتی ہے تو فرانس کا صدر اس کا استقبال کرتا ہے, اسے موسٹ ویلکم کیا جاتا ہے. تو معلوم ہے اتنا جو اس کو عزت دی گئی, اتنا اس کو جو عظمت انہوں نے اپنی طرف سے دنیاوی دی ہے, تو اس نے کوئی کام ایسا کیا تھا نا ملک پاکستان میں. یہاں کے تو جج, یہاں کے بعض نام نہاد تو کہنے لگے جناب یہ محض ایسے باتیں ہیں, اس عورت نے کوئی گستاخی نہیں کی. اور پاکستان میں اگر کوئی اس کے رسالت میں ڈوب کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت, آپ کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام کرے, اسے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یہ حکمران نادان ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں, یہ ملک بنائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر, اس کی جڑوں میں اس کے رسالت کا خون ہے,
आशिक रसूल के परवानों का खून पाकिस्तान की बुनियादियों में है। जब तक भी एक शम्मे रिसालत का परवाना है, नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के डंके बजते रहे। हुकूमतें तो मुहायदे करती है और कर भी रही है कि जनाब ये नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात दीनी मदारिस में दी जाती है, इन दीनी मदारिस को अपनी तहवील में लिया जाए, इनकी जो आज़ादाना हैसियत इसे ख़त्म कर दिया जाए, इनके अंदर भी वही तालीमी निज़ाम राइज कर दिया जाए जो स्कूल और कॉलेज के अंदर है, ताकि ये जो खड़े और सच्चे मुसलमान जिन्हें ईमान की रोशनी मिल रही है मदारे से मसाजे से, ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह मोहताज नहीं किसी का। अगर यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह किसी और मुल्क में पैदा कर दे, वो इस पर कादिर है। अभी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा आपने देखा, पाँव से माजूर आदमी है, लेकिन इतने लोग उसके दीवाने कैसे बन गए? ये इसके रिसालत था और क्या था उसके पास? किसी बड़े सदर वजीर के जनाजे पर भी आपने इतने आदमी देखे नहीं नजर आएंगे आप? हाँ, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए अपनी जान देता है, फिर मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से दीवाने खिंचा खिंचा वहाँ चले जाते। अल्लाह दिखाता है जो मेरे नाम पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है, आखिरत में तो जो इज्जतें और अजमतें, दुनिया में भी मैं उसे इज्जतें और कमाल अता करता हूँ। मैं अक्सर सुनाता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम का इज्जत और अजमत हज़रत हबीब बिन जैद मुसैलमे कज़्ज़ाब, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, तो हबीब बिन जैद ये सहाबी रसूल थे, गिरफ्तार हो गए, तो उसने अपनी झूठी नबूवत पेश की, आपने इनकार किया। उसने कहा, इनकार करेगा तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। कहा, परवाह नहीं, हमने सिर्फ एक को नबी और रसूल माना है, वो आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वाकिया बड़ा लंबा है, मैं मुख्तसर करता हूँ। जब झूठी नबूवत पेश की, आपने इनकार किया, उसने हुक्म दिया, दायां हाथ काट दिया गया। फिर नबूवत पेश की गई, शायद अब डर गया हो मान ले, आपने फिर इनकार किया, फिर बायां बाजू काट दिया गया। इसी तरह वो बार बार पेश करते रहे, आप इनकार करते रहे, पांव काट दिए गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आपने झूठी नबूवत को नहीं माना। कहा, जान दे सकता हूँ, जिस्म के टुकड़े करवा सकता हूँ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और को अल्लाह का नबी और आखिरी रसूल नहीं मान सकता। जब उनकी वालदा को बतलाया गया कि आपका बेटा, उसके साथ ये मामला हुआ, बार बार वो इनकार करता रहा, जिसकी वजह से हाथ काटे गए, पांव काटे गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ज़रा माँ के जुमले सुनना कि नबी अलैहिस्सलाम की अजमत क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत क्या अहमियत रखती है। वालदा के जुमले सुनिए, आज से 1500 साल पहले उस वालदा के जुमले क्या थे कि अल्लाह की कसम, मैंने तो अपने बेटे को दूध इसी दिन के लिए पिलाया था कि वो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जाए। और आज भी दीवाने मौजूद हैं, अगरचे ज़माना इतना गुजर गया, लेकिन आज भी दीवाने मौजूद हैं जो इश्क़े रिसालत में डूब कर अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनके सामने सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत है। हज़रत सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जब मुकदमे बावलपुर चला, यहाँ तशरीफ़ लाए, और उस मौके पर एक जुमला इरशाद फरमाया था कि मुसलमानों, अगर हम हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़ ना कर सके, हमसे गली का कुत्ता अच्छा जो अपने मालिक का नमक खाकर उसका हक अदा करता है। आज हमें किसके सदके मिल रहा है? जिस नबी के सदके ये सारी कायनात बनी, ये लैलो नहार, ये दुनिया की रंगीनियाँ, नबियों को नबूवत भी उस नबी के सदके मिली है। आज उस नबी की इज्जत और अजमत पर कोई हर्फ आए और मुझे कोई हरकत ना आए, मेरे तन बदन में कोई शरारत कोई हरारत पैदा ना हो, तो फिर इस जीने से मौत आ जाए तो बेहतर है। आज हमें अपने घर की फिक्र है, महंगाई का तूफान है, हर कोई चीफ बजबी है, हाय क्या बनेगा, कोरोना फिर आ रहा है, आएगा, ये दुनिया की ताबूती ताकत है। हमारे जब ईमान कमज़ोर हो जाएंगे, हम इन्हीं को नफ़े नुकसान का मालिक समझें। अरे हमारा तो रब मौजूद है, नफ़े नुकसान का मालिक कौन है? ये कोरोना, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है वबा होगी, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन दर हकीकत ये हमारे बदअमालियों का नतीजा है। जब तक हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, इससे ज़्यादा और सख्त वबाएँ आएंगी।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वबाएं दर हकीकत तुम्हारे गुनाह हैं, जब तक तुम इनसे माफ़ी नहीं मांगोगे ये वबाएं टलने वाली नहीं हैं। इस तरफ तो हम आते नहीं हैं। क्या ख्याल है, मास्क पहनने से आपकी बीमारी चली जाएगी? घर में बंद हो जाए बीमारी चली जाएगी? बीमारी देने वाला कौन, शिफा देने वाला कौन? हाँ एहतियात करें, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आप इस तरफ भी रुजू करें कि असल ये हमारे अमल का नतीजा है। अल्लाह से माफ़ी मांगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब आज़ाब के आसार नमूदार हुए, सारी कौम मैदान में आ गई, बच्चे छोटे बड़े, अल्लाह से गिड़ गिड़ा के मांगा। वो जो आने वाला अजाब था वो माफ़ी से अल्लाह ने उस अजाब को दूर कर दिया। आज मेरे भाइयों इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। सूद हम में है, जिना हम में है, शराब हम में है, झूठ हम में है, धोखा हम में है, और हम खुश हैं कि फिर तरक्की की तरफ जाएंगे? नहीं जा सकते, धोखे में पड़े हुए हैं। अभी हुकूमत सख्ती कर देगी, मस्जिदों में नमाजी नज़र नहीं आएंगे। फासले करो जी, एक दूसरे से ना मिलो जी, फला चीज़ें करो, और वही अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी थी। अल्लाह से माफ़ी मांग लेते, हालात बनाने वाला कौन है? हमारा नज़रिया ही तब्दील हो गया। हम कहते हैं शायद दीगर लोग हमारे हालात को बनाने वाले, सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। बिगड़ियाँ अल्लाह बनाने वाला है, इज्जतें अल्लाह देने वाला है। ये हालात हैं तो रुजू किसकी तरफ होना चाहिए? हमने कभी सोचा जैसी ज़िंदगी गुजर रही है बस, क्योंकि दिल सियाह हो चुके हैं। मेरे भाई और दोस्तों ज़रूरत इस बात की है, अपने रब को राज़ी कीजिए। आज भी हमारे कानों की लज्जत गाना, आज भी हमारी जबानों की लज्जत फोश गालियाँ एक दूसरे को देना और इस पर खुश होते हैं। दिन रात हमारा मशगला खाना पीना और सोना, रब को याद ना करना, पांच वक्त नमाज ना पढ़ना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को बजा ना लाना, तो फिर आज़ाब नहीं टल सकते। इससे ज़्यादा सख्त वबाएँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी। जब तक के मुसलम्मा इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकुम हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। नौजवानों ने सोचा ही नहीं है कि मैं भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ। कितने लोग हैं केबल की तार लगाते हुए करंट लगा और चले गए, गाना सुनते हुए मौत आ गई, शराब पीते हुए मौत आ गई, जुआ खेलते हुए मौत आ गई। साथ का बाद में हम एक जनाजे पर गए, कब्रिस्तान में एक कब्र से गुजरना हुआ, अजीब मंजर था। अंदर से एक काला बिच्छू है और एक बारीक सांप है, उसको उसने काटा हुआ है। ऐसे आपने कई वाकयात देखे होंगे, कब्र से सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। कभी हमने सोचा ये क्या चीजें हैं? दुनिया में जब उस रब की बगावत करोगे फिर रहमत नहीं आएंगी। आज सूद बढ़ रहा है, ताजर जिम्मेदार दुकानदार वो कहते हैं सूद के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। और सूद अल्लाह फरमाते हैं जो सूद को इस्तेमाल करता है उसमें मुलव्वस होता है, फिर उसका उसके साथ मेरा इलाने जंग है। और अदना उसका गुनाह क्या है? अपनी सगी माँ के साथ जिना करना, हदीस पाक में आता है। तो जो सूद, जब निजामी राय जहां सूद होगा ये मुल्क क्या तरक्की करेगा? मेरे भाई और दोस्तों लौटने की जरूरत है। ये पांच, मैं अक्सर कहता हूँ 2005 में बालाकोट में जलजला आया था, हमारी तरह के लोग थे, जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब वो नहीं संभले सफा हस्ती से मिटा दी, इलाके के इलाके जमींदोज हो गए। अल्लाह ताला मुझे आपको मोहलत दे रहे। पिछली सर्दियों में आया ये वबा आई, लेकिन कौम की चाल वही रही। अक्सर लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, नमाजों से दूर, मस्जिद से दूर, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से दूर। अब भी मौका है, अल्लाह को राज़ी कर ले, अब भी मौका है, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। वो तो सारी दुनिया के फिजा और ज़मीन को जिसने गुनाह से भर दिया हो, जब सच्चे दिल से तौबा करे वो तो उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। तो ज़रूरत इस बात की है, और हालात के मुताबिक जैसे कि मैंने बयान फरमाया, अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मुझे आपको अपना हिस्सा डालना चाहिए। इस बारे में अपने नौजवानों को, अपने बड़ों को इसकी आगाही दे, कहीं ऐसा ना हो लड़की और नौकरी के झांसे में हमारा नौजवान ईमान से हाथ धो बैठे। कितने ऐसे देखे हैं जो औरत के चक्कर में, वीजे के चक्कर में और नौकरी के चक्कर के अंदर उन्होंने ईमान को छोड़ दिया।
ये दुनिया फितना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना ये माल है, माल, और आज इसी की दौड़ लगी हुई है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको अपने ईमान की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। ईमान में सबसे अहम अकीदा होता है, और अकीदा ख़त्म नबूवत, ये इस्लाम की जड़ और बुनियाद है, ये इस्लाम की शाहरग है। जिस तरह इंसान की गर्दन, ये इसकी शाहरग काट दी जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं रहता, इसी तरह इस्लामी आमाल की बुनियाद और उसकी शाहरग जो है अकीदा ख़त्म नबूवत है। अगर ये ना रहे, इस्लाम की सारी इमारत वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस्लाम की सारी इमारत की बुनियाद वो जो कायम है वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर है। तो इसीलिए दीवाने कहते हैं कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं इसके बावजूद मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूँ ख्वाजा बताहा की हुरमत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने औलादों की ईमान की फ़िक्र की तौफीक नसीब फरमाए। अकीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से अल्लाह ताला हमें हिस्सा डालने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो हुजूर की इज़्ज़त नामूस का पहरा देता है, कल क़्यामत के दिन वो हुजूर के बॉडीगार्डों में शुमार होगा। क्योंकि बॉडीगार्ड अपने मालिक के साथ होता है या अलग होता है, तो जो हुजूर की ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं दुनिया में चौकीदारी की, कल क़्यामत के दिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में, जहाँ मालिक जाता है वहाँ बॉडीगार्ड भी उसके साथ जाता है। तो ये नामूस रिसालत के पहरेदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी बात यही है, ये कोरोना, इसका जाना तौबा से होगा। किससे होगा बोलेंगे आप सब तौबा करते हैं, लेकिन ज़बान से तौबा करना तौबा नहीं होता। कहते ना, या अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा हो जाएगी? नहीं होगी। तौबा के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। जो हम गुनाह करें उसको छोड़ दें, कोई भी गुनाह है, बदनज़री है, झूठ है, कोई और गुनाह है, उसको फौरन छोड़ दें। दूसरा, उस गुनाह पर निदामत हो, शर्मिंदगी हो, या अल्लाह मुझे ये नहीं करना चाहता, हो गया, मैं पशेमान हूँ, शर्मसार हूँ। तीसरा, आइंदा ना करने का आज़्म, ऐ अल्लाह मैं आइंदा ना करूँगा। हाँ, इन तीन शरायत के साथ अब कहता है, या अल्लाह मेरी तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अब ये पक्की तौबा कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, जब इन चीज़ों के साथ उसने तौबा की है, सच्ची तौबा की है, अब मैं इसे ऐसा कर दूंगा जैसे अभी माँ के पेट से जना हो। जिस तरह उसके उस वक़्त कोई गुनाह नहीं होते, तो अल्लाह ताला हमें कामिल सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, तब ये वबाएँ जाएंगी, रहमतें आएंगी, वरना महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ रही है। ये अगर हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, सच्ची तौबा की बरकत से अल्लाह रहमतें उतारेंगे, इस महंगाई को दूर करेंगे, रहमतें और बरकतें आएंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।